एजुकेशन को मेल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास लैब्स नहीं है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है. तो जब तक आप जितना बढ़ाते जाओगे बोझ तो धरती पर ही आएगा ना. इसी वजह से मैं कहीं अप्लाई नहीं करना चाहती या कहीं मेल फॉरवर्ड नहीं करना चाहती, बिकॉज वी वॉन्ट रिसोर्सेज फर्स्ट. अगर मैं उन बच्चों को वो सुविधाएं दे ना सकूं, अगर आई बिलीव इन क्वांटिटी एंड नॉट इन क्वालिटी. जितने हमारे पास रिसोर्सेज है, बीए बीकॉम में भी अगर सीट है, बीए बीकॉम में भी बढ़ जाएगी. बीकॉम में भी स्टाफ अब इंग्लिश में ही लगा लो, क्योंकि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की हूँ. जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था यहाँ 22 का स्टाफ था, आज सिर्फ 2 रेगुलर है, सिर्फ 2 स्टाफ है. वो 2 स्टाफ मेंबर बीएससी पढ़ाएगा, बीए के 6 सेक्शन पढ़ाएगा, एमए पढ़ाएगा या ऑनर्स पढ़ाएगा. मैम हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ इंग्लिश की मंत्री जी से कोशिश करेंगे हम. मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी वो हम जितनी भी उनसे डिमांड करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो पूरी करें. लेकिन ये एक सिस्टम है, सिस्टम ये है कि मंत्री जी भी पहले एचपीएससी को लिखेंगे, एचपीएससी इंटरव्यू लेगा. इस प्रोसेस में ये 1 साल लग जाएगा. तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि अगले साल आपकी सीट्स बढ़े. और गवर्नमेंट ने 8-9 नए सरकारी जो है कॉलेज खोल दिए हैं. सीट बढ़ी ना उन कॉलेजेस में, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में तो सीट बढ़ी. मैडम आपने कहा कि स्टाफ की कमी है, मेल भी कर रहे हैं, क्या फिर मेल का कोई असर नहीं दिखता क्या सरकार में? मेल का असर दिख रहा है सरकार में. उन्होंने ये फीमेल मेल कर रही है इसलिए मेल का असर नहीं हो रहा है, या मेल करेगा तब असर होएगा? इट इज नॉट अबाउट, एट लीस्ट वी मस्ट थिंक बियॉन्ड फीमेल एंड मेल, बियॉन्ड सेक्स. अगर आप जो है सोचेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा. कहने का मतलब है आपकी सरकार में काम नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है. तो आप 1 साल से आप कह रहे हैं कि स्टाफ नहीं है, 1 साल से स्टाफ नहीं है, तो कॉलेज किस तरीके से चल रही है? आप देखिए कौन से ढर्रे पे चल रहा है. आप देखिए जो पिछले कई सालों में अब बिल्डिंग बन रही है, ये हर चीज को बनने में समय तो लगता है. हम रेनोवेट करते हैं घर को, वो जो रेनोवेशन का टाइम है जो उसके अंदर हम असुविधा महसूस करते हैं, वो भी रेनोवेट होना पड़ रहा है. स्टाफ का भी इनका नहीं, स्टाफ का भी एक प्रोसेस है सरकार का. पहले एचपीएससी को दी जाती है कि हमें इतने की डिमांड है. पहले भी एक बार एचपीएससी ने निकाली थी, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई. तो वो जब से हमारे स्पेशली ये नए शिक्षा मंत्री आए हैं, इन्होंने बहुत काम किया और इनकी पूरी हमें उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास स्टाफ आ जाएगा, या ये नई भर्तियां करेंगे तभी आ सकता है, क्योंकि 2017 या 18 में हुई थी, उसके बाद नई भर्तियां नहीं हुई है. अच्छा मैडम, जैसे आपके जो कॉलेज का है रिजल्ट है बड़ा पुअर आता है, और बच्चे भी कहते हैं कि जो पुअर फैमिली से हैं वही आके यहाँ आ रहे हैं, और जब आपके रिजल्ट को देखते हैं तो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं. फरीदाबाद की जो 20 लाख से 25 लाख के आसपास की हमारे हमारे यहाँ पे आप देखिए बाकी कॉलेजेस खाली पड़े हैं. हमारे यहाँ पे 7 अगर बच्चों ने अप्लाई किया तो 1 का एडमिशन है. तो सर बच्चों में इतना क्रेज नहीं होता. आप देखिए पीजी के अंदर नंबर 1 है हरियाणा के अंदर, रेटेड, और सब में से पूरे हरियाणा में नेहरू कॉलेज फर्स्ट नंबर.